बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, तो हमने करना है चैप्टर नंबर 9 साइंस का, जो कि है डिस्पर्शन ऑफ लाइट, लाइट की डिस्पर्शन पे। सबसे पहले हम इसके शॉर्ट क्वेश्चंस करेंगे। गिव शॉर्ट आंसर, व्हाट हैपन व्हेन लाइट मूव्स फ्रॉम ग्लास इनटू एयर एट एन एंगल। कह रहा है कि जब लाइट जो है वो ग्लास में से गुजर के एक एंगल पर जाती है, तो वो मूव तो उसके साथ क्या होता है। कह रहा है व्हेन इट मूव फ्रॉम ग्लास इनटू एयर एट एन एंगल इट बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल। तो ये नॉर्मल से क्या करती है, बेंड हो जाती है, मुड़ जाती है। नेक्स्ट है व्हाट इज़ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, ये है इट इज़ द रेशो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम टू इट्स स्पीड इन द मीडियम। क्या होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, की ये रेशो होती है स्पीड ऑफ लाइट की और इन वैक्यूम, किसी भी वैक्यूम में, टू इट्स स्पीड ऑफ लाइट इन इन द मीडियम और उसके मीडियम में। नेक्स्ट है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम इज इक्वल टू होता है स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम और स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। नेक्स्ट है हाउ कैन वी कैलकुलेट द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर। हम वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर इज इक्वल टू होता है स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम और स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर। नेक्स्ट है व्हाट हैपन, नेक्स्ट है व्हाट हैपन व्हेन द प्राइमरी कलर्स ऑफ लाइट आर मिक्स्ड इन इक्वल प्रोपोर्शंस। कह रहा है क्या होता है जब लाइट का जो प्राइमरी कलर होता है वो मिक्स्ड होता है, तो फिर क्या होता है, तो फिर ये न्यू कलर बन जाता है। ठीक है, कह रहा है व्हेन प्राइमरी कलर ऑफ लाइट आर मिक्स्ड इन इक्वल प्रोपोर्शन देन सेकेंडरी कलर आर ऑब्टेंड, तो फिर एक दूसरा कलर ऑब्टेंड होता है, बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाई डू वी सी कलर्स ऑफ डिफरेंट ऑब्जेक्ट। हम डिफरेंट ऑब्जेक्ट के कलर किस तरह से देखते हैं। We see colors of different object because color of an object is the color of light it's reflect. जो light reflect हो रही होती है उसकी वजह से हम different colors देखते हैं। Next है define critical angle. Critical angle क्या होता है, कह रहा the angle of incident from which the angle of refraction is 90 degree is called critical angle. कह रहा है अगर इंसिडेंट एंगल ऑफ इंसिडेंट जो होता है वो 90 डिग्री हो जाए तो उसको हम क्रिटिकल एंगल कहते हैं। नेक्स्ट है स्टेट लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन क्या होता है, कह रहा है देर आर टू लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन, टू दो लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन होते हैं। पहला है द इंसिडेंट रे, द रिफ्रैक्टेड रे एट द नॉर्मल रे एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंट। कह रहा है इंसिडेंट रे, नॉर्मल रे और रिफ्रैक्टेड रे, ये एक ही पॉइंट पर हो तो इसको भी हम कहते हैं कि ये लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन है। अगर फ्रॉम फॉर टू पार्टिकल मीडियम्स द रेशो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंट टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज अ कॉन्स्टेंट। कह रहा है अगर साइन एंगल आई और एंगल आर यानी इंसिडेंट ऑफ और रिफ्रैक्शन एंगल दोनों कॉन्स्टेंट हों तो इसको भी हम कहते हैं कि ये लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन है जी। तो आगे हमने इसके लॉन्ग क्वेश्चन स्टार्ट करने हैं, वो है डिफाइन रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, डिस्कस द इफेक्ट्स ऑफ लाइट विद एग्जांपल्स। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट है व्हेन लाइट